सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। स्वागत प्रोग्राम अज का मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारयां नू इस प्रोग्राम दे विच स्वागत करदे आं। लाइव तुहाडे नाल अज हाजिर होया ते जो मैं कहांगी सब तो वड्डी खबर, खास करके साडे लई इस मंच ते पिछले डेढ़ साल तो जिस चीज़ की कवरेज हो रही है, अज असी उस मुद्दे ते गल कर रहे हैं, बट एक वखरे पहलू दे नाल कि जो मंगा सीगियां उन्हां दे विचों तुसीं कह लो किसे ना किसे हद तक एक जित प्राप्त हुई है, बट कम हले भी बाकी बहुत हैगा। शायद तुसी न्यूज़ सुनी होनी है कि संयुक्त किसान मोर्चे वालों एक ओपन लैटर लिखी गई, 6 पॉइंट डिमांड रखी गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगे कि किस तरह ये जो अंदोलन हैगा, जो मोर्चा दिल्ली की सरहदा ते हले तक चल रहा है, किस तरह वो मोर्चा खत्म हो सकता है। SKM ने लिखा कि देखो जी साड़ी 6 सिंपल डिमांड्स हैगियां कि ऑफकोर्स MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी होनी चाहिए है, उदे विच जो वक वक ओपन केसेस इस वेले फार्मर्स दे खिलाफ चल रहे हैं कोर्टा दे विच जेलां दे विच, उन्हां नू रद्द किया जाए कि जो जगह हैगी जिथे इन्ने शहीद होए उत्थे एक मेमोरियल बनाया जाए, दिल्ली दे विच एक मेमोरियल बनाया जाए उन्होंने जो शहीद होए हैं इस अंदोलन दे विच, एंड वक वक होर चीज़ा। किस तरह इस लैटर का रिस्पोंस आता है ये आने वाला समा ही सानू दसूगा। SKM ने कहा कि देखो जी 11 मीटिंगा तो बाद एक यूनिलैटरल डेक्लरेशन लिती गई, ना कि एक समझौता, एक कॉम्प्रोमाइज़, एक नैगोशिएशनस तो बाद रखा गया फैसला, एक यूनिलैटरल फैसला दिता गया। सो अज जो तुसी एक तुसी कह लो कमेंडेबल एफर्ट कर रहे हो उस चीज़ नू वापस लेने की कि साड़ी नैगोशिएशन पॉइंट्स हाले भी यही है, बट अज मैं इस तुसी कह लो इस मुकाम ते जिथे किसान भी पहुँचे, असी भी जो इस स्टोरी नू कवर करें असी सारे इस मुकाम ते पहुँचे हैं, अज सानू एक नवे एंगल दी गल सोचनी चाहिए है कि जिथे यस ये एक बहुत वड्डी जित साडे लई जरूर हैगी, कि क्यों जो वड्डे वड्डे एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि ये हले कम अधूरा है, कि ये सिर्फ अद्धी बैटल विन हुई है। इनफैक्ट लगातार साडे नाल जुड़े रहिंदे हैं दविंदर शर्मा जी, जो कि एक एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट ते इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, एक बहुत ही पॉपुलर आवाज़ हैं, राइटर हैं, जो लगातार इन मसलों पर कॉमेंट करते हैं। उन्हों का रीसेंट आर्टिकल अ बैरल ओनली हैफ वन, इस आर्टिकल दे विच दविंदर शर्मा जी लिखते हैं कि किस तरह जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो अगे बढ़ सकती है, कि जो प्रॉब्लम्स हैगियां इस इंडस्ट्री दे विच वो इन लॉज दे नाल ना सॉल्व हो रही सी, ना इन लॉज नू रद्द करन दे नाल सॉल्व हो रही, कि जो प्रॉब्लम्स हैगियां उन्हां दे जो वड्डे सोल्यूशनस हैं हले भी उन्हां दी गल नहीं हो रही। एंड उन सोल्यूशनस दे विच एक बहुत मैं कहांगी पुराना कॉन्सैप्ट एक नवे तरीके नाल अगे आंदा है। MS स्वामीनाथन दी एक थियरी द एवरग्रीन रेवोल्यूशन एदी गल करदे है दविंदर शर्मा जी अपने इस आर्टिकल दे विच, एंड की MS स्वामीनाथन दी इस एवरग्रीन रेवोल्यूशन दे कुछ कोर टेनेट सीगे ओदी गल अज असी करांगे। ऑफकोर्स स्वामीनाथन रिपोर्ट दे नाल तुसी सारे वाकिफ हो, बट अज मैनू इस प्रोग्राम दे विच बहुत खुशी हो रही है लाइव तुहाडे नाल पेश करदे हुए साडे नाल जुड़ रहे हैं इंडिया तो मिस्टर दविंदर शर्मा। प्लीज़ जॉइन मी इन वेलकमिंग दविंदर शर्मा जी, तुहाडा प्रोग्राम दे विच स्वागत, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सो गुड टू हैव यू शर्मा जी। एज ऑलवेज जो भी तुम साढ़े नाल जुड़ते हो सानू सारू सानू भी तो साढ़े दर्शकों भी वी फील लाइक वी हैव लर्न समथिंग इन वैल्यूएबल, खास करके इस मुद्दे नू लैके जिथे आवाज़ा तो बहुत हैगियां बट जो पते की गल है वो सिर्फ कुछ ही लोग कर रहे हैं। यू आर डेफिनेटली वन ऑफ दैम, थैंक यू सो मच तुम साढ़े नाल जुड़े। दविंदर जी यू नो तुहाडा जो ये आर्टिकल हैगा तुसी शेयर भी किया, इट वॉज वेरी इनसाइटफुल, जो चीज़ा बार बार सानू सुनन नू मिल रही दैट यस ये बहुत वड्डी एक जित प्राप्त की गई, एदे विच आई थिंक कितने ना कितने लोग इस चीज़ नू हले भी एक्सैप्ट नहीं कर रहे, लाइक यू से इन योर आर्टिकल दैट इन कानूनों नू रिपील करके वी हैव जस्ट रिटर्न टू द स्टेटस क्वो, कि जो चीज़ा प्रॉब्लम्स सीगियां वो हले भी प्रॉब्लम्स हैगियां। लेट्स टॉक अबाउट दैट। Let's say exactly as Prime Minister Narendra Modi promised, within a few weeks time these laws are repealed in parliament, parliament de vich inna nu wapas litta janda hai, where are we left then, kis sthiti de vich assi
उस वेले आ जाते हैं एक बारी जो इन लॉज नू वापस लेता जाता है। Well, I think as you rightly mentioned कि जे लॉज वापिस हो जाते हैं वो तो हम प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है तो वापिस होंगे ही और जब वापिस हो जाएंगे तो वी आर बैक टू स्क्वेयर वन। मतलब जो क्राइसिस सीगा जो संकट सीगा खेती के ऊपर वो तो उस तरह ही बरकरार रहेगा ना। सो उस संकट तो किस तरह उभरिया उभारिया जाए किसानों को आई थिंक दैट इज द बिगर चैलेंज दैट शुड बी समथिंग विच इमर्जिज आउट ऑफ दिस मूवमेंट जो कि बड़ी ऐतिहासिक मूवमेंट हुई है और ये भी कोई शक नहीं है कि बड़ी ऐतिहासिक जीत भी है क्योंकि एक साल बाद किसान सरकार नो शायद ये समझा पाए कि वो क्यों क्यों उनका जो दुख सीगा उन्होंने प्रकट कर रहे सीगे सड़कों पर बैठ के एक साल उन्होंने किया कोशिश और आई थिंक इट्स ए लेसन कि भाई आफ्टरऑल किसानों ने जो जो बहुत ज्यादा उन्होंने जो गुस्सा सीगा उन्होंने तो सरकार ने इमीडिएटली एड्रेस या इमीडिएटली तो मैं नहीं कहूँगा मतलब साल के बाद उन्होंने घट्टों घट ये मनिया कि भाई एड्रेस करना है लेकिन जो अगला स्टेप है कि भाई हाउ टू इंश्योर कि एग्रीकल्चर कम्स आउट ऑफ दैट क्राइसिस कि एग्रीकल्चर या किसान जिहड़े हैगे अज इन्ने दबे हुए हैं क्रैडिट क्रैडिट और क्रैडिट यानी कर्जे के जाल में फसे हुए हैगे उन्होंने उस तरह उहदे विचों किस तरह कढ़िया जाए आई थिंक दैट इज द बिगर चैलेंज और इसी करके मेरा अपना शुरुआत तो मैं कहना आया है कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब तक असी लीगल नहीं करांगे कानूनी अधिकार नहीं बनावांगे तद तक वो क्राइसिस तो किसान नहीं कढ़िया जा सकता है और ये सिर्फ हिंदुस्तान की गल नहीं है सारी दुनिया वास्ते एक लैसन हो जाएगा या एक मॉडल बन जाएगा अगर हिंदुस्तान एमएसपी नो लीगलाइज कर देता है। मैंने पता है कि बहुत दिक्कतें है स्पेशली इंटरनेशनल लॉज नो फेस करते हुए लेकिन लेकिन इट विल बी वेरी 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 आई थिंक इंस्पायरिंग फॉर द अदर कंट्रीज वो भी इन डिमांड करेंगे क्योंकि अज क्राइसिस दुनिया भी जो है वो उसी गलते है या उसी पीड़ा नो डिपिक्ट करता है जो हिंदुस्तान के किसान बॉर्डर से एक साल तो कर रहे हैं जी। Devinder ji, I kind of want to talk about the situation around this announcement. Jo Prime Minister Modi di timing hai, of course, innu laake political theories ta bahut nikal rahi hain ki political karana karke eh announcement is vele kiti gayi, eh rollback is vele kita gaya. But I want to talk about the economics of it all because that is your subject matter expertise. Ithe ek chote ji break le rukde hain, Devinder Sharma ji, agriculture economics expert. Please, is tarah sar nal jude rao viewers. Tusi bhi jude rao live tuhade nal hazir. जरूर तुहाडी कॉल्स भी चुकांगे मिलदे हां ब्रेक तो उस पार तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा लाइव तुहाडे नाल इस शाम दे प्रोग्राम दे विच हाजिर होए हां। गल हो रही है कि किस तरह हुण जदों इन तीन खेती कानूनां नूं वापस लैण दा फैसला किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी दी अनाउंसमेंट आई सी पिछले हफ्ते हुण की हुंदा है व्हाट इज नैक्सट या की होना चाहिए। एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्सपर्ट Devinder Sharma joins us from India. Ekvari fair Devinder ji tonu program de vich swagat karde ha. Devinder ji tusi break to pehle sanu ekvari fair you know reiterate kar rahe si your long held beliefs about these laws and jo sthiti is vele kheti baadi pure agricultural industry di bani hui hai not just in India you're right when you say this in all over the world ki kis tarah khas karke jithe इनकम की गल आती है फार्म रिलेटिड इनकम्स आर ड्विंडलिंग। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि 2018 के यूनाइटेड स्टेट्स की यह गल हैगी 2018 के एक स्टडी ने यह पाया सी कि हर एक एक डॉलर जो एक किसान खर्चता हैगा उन्होंने 8 सेंट प्रॉफिट होंदा है। दिस इज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज ऑफ 2018 एक डॉलर के खर्चे ते 8 सेंट द प्रॉफिट। सो ये काफ़ी यू नो आई वुड से इट्स अ प्रीटी डायर सिचुएशन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बट इंडिया ने एक इस मोर्चे ने एक नवी मैं कहूँगी इट्स गिवन अ न्यू फायर टू दिस फाइट। I want to talk about the economics of this announcement. ठीक है जी political कारना ते ता बहुत you know the talking heads are all laying out their theories but economic तौर ते तो नू लगता है कि कोई specific कारण सिगा के Prime Minister Modi या उना दी सरकार ने सोचिया कि नहीं सानू हुन इन कानूनां नू वापस लैण दा फैसला करना चाहिए। वट एवर बी द रीजन क्योंकि यह भी जो कह कि नॉट ओनली पोलीटिकल इवन इकनोमिक आसपैक्ट से भी बहुत सारी अटकल चल रही है लॉट ऑफ एनालिसिस आर्ग्यूमेंट्स आर बीइंग फ्लोटेड अराउंड पर यह भी एक फैक्ट हैगा कि भाई नॉट मैनी पीपल न्यू अबाउट दिस डिसीजन ईवन रिपोर्ट्स कह रही है कि ईवन एग्रीकल्चर मिनिस्टर को नहीं पता सगा कि सरकार वापिस कर जा रही हैगी है लॉस। सो वट एवर इट इज द फैक्ट इज कि वापिस हो गए है हूँ नाउ सिंस दे हैव बीन टेकन अबैक आई थिंक इट्स टाइम टू लुक अहैड कि भी अगे की होना चाहिए है बिकॉज
ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਗੰਭੀਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਵੇ 2019। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗੈਸਟ ਦੈਟ ਦ ਕੰਟਰੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੋਪ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਨੋਨ ਫਾਰਮ ਇਨਕਮ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। Imagine 27 rupees is what the farmer is earning per day from crop cultivation. And when I say crop cultivation, ye sanu samajhna hai ga darshakon ki we are producing in India 308 million tons of food grains, 320 million ton of fruits and vegetables, 204 million ton of milk, and look at the farmer's income, 27 rupees per day। And mera ye kehna hai ki ye jehdi ik gaan jehdi hegi hai ohdi income jyada hundi hai rozana jehdi dudh dindi hegi hai, and farmer the income cut hai gaya. So I think we should understand ki agriculture kitna crisis vich hega. When I say agriculture, I'm talking about the farmers. You know, when you talk about industries, bigger corporations and so on, oh to kehnde ji ki sanu ta bahut zaruri hai ki laws aan, kyunki market driven hon, taki oh hor exploit kar sakan. Reality ye hai gaya kisana nu jo ki America ch ho reha, Canada vich ho reha, European Union vich ho reha. I think India needs to set a new kind of a model before the world ki jide vich farmers no ek guaranteed income mile. I am sure you will all agree ki 27 rupaye I think agar kisan nu mil rahe hai per day, I think ye to badi sharam di gal nahi ho sakdi hai for a country, any country for that matter. Devinder Sharma ji, tusi in food processing sourcing companies di gal kiti, I'm so glad because that's exactly where I want to take this conversation. Aaj hi economic times de vich ek article aaya that basically takes the other side, right? Oda title hega farm law rollback may hit sourcing and expansion plans of food processing companies. They basically sanu dooji side dikha rahe hain ede vich vak vak food processing te vaddi jo eho ji sansthava han ona de managing directors, CEOs, executives valno statements ditiyan gayi hain. In fact, a couple of them jo main padhna chahne tode comments jo main lena chahungi, one of them is from Subodh Jindal, president of the All India Food Processors Association, jo represent karda Nestle, Britannica, Haldiram, and unhone kaha ki in laws nu withdraw kar, the withdrawal of farm laws will increase input costs of the industry and could create regulatory hurdles, and ede karke consumers nu nuksan ho sakda hai jo ja ke middle class da ya low income class da grocery store de vich bazaar de vich mandi de vich kuch khareedan ja reha hai unhan nu nuksan hoega eda, ede ch kinni ki sachai hai, or is it just, you know, the corporates worried about their bottom line? Well, I am very happy कि तुसी ए specific quote mention किता हैगा, and it tells you all कि देखो जब laws वापस नहीं हुए सीगे तो साल तो कंपनियां ये कह रही सीगियां, इनफैक्ट मीडिया भी ये कह रहा सीगा, बिकॉज एज यू नो मीडिया इज कॉर्पोरेट ड्रिवन, तो ये भी मैसेज कन्वे कर रहा सीगा मीडिया कि जी जब ये laws ऑपरेट हो जाएंगे, ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो किसानों की इनकम बढ़ जाएगी, बिकॉज कंपनीज आर गोइंग टू गिव फार्मर्स ए हायर प्राइस, ये सामने बोलिया गया, और हूँ अपने आप मान रहे हैं कि साड़ी जिहड़ी सोर्सिंग है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, the cost of production sadi badh jayegi, ida matlab hai ki they were not willing to provide farmers with a higher price. eh ik tarah da jhoot siga jehda sanu bolya ja raha si repeatedly ki kisana da fayda hoega, aur main us time bhi kehnda siga ki agar tusi income den nu waise taiyar ho ke tusi higher price kisana nu doge, then what is your problem? Tusi minimum support price is a minimum level, tusi oh to agge waise den nu taiyar ho fir tuhanu minimum support price nu legal karan te ki problem hai ga? Now it is clear ki ki problem siga, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਅਰ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਆਬਵੀਅਸ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਹਾਨਾ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਐਨ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੂਮਰ, ਪਰ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਾਟ ਵੀ ਫੋਰਗੇਟ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਚ 50% ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਗਰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖੀਏ ਇਫ ਯੂ ਇਨਕਲੂਡ ਦੇਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼, 50% ਮਤਲਬ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਫੋਰਗੇਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਕੰਜ਼ੂਮਰ,
जब प्रोड्यूसर के हाथ में पैसा नहीं होएगा तो कंज्यूम किस तरह करेगा? इट डजंट मीन कि कंज्यूमर का मतलब जो शहर लोग रहते हैं वही कंज्यूमर है। 70% ऑफ इंडिया इज इन द विलेजेस, दे आर ऑल्सो कंज्यूमर्स। सो वी नीड ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल विच इंश्योर्स कि जो किसान है या जो रूरल एरियाज है उन्होंने भी इनकम बढ़े। And I think there is no other way the income badhan waste to unless we make or provide farmers with a guaranteed price. So I think that should be very clear to us. Hun tusi ik pehle shuru ch America di gal kiti sige. America da 2016 vich US Department of Agriculture da jehda ek food dollar banaya janda hega, unhone kiya siga ki bhai ek dollar jad consumer khareedda hega koi bhi produce kisana ton ta ohde ch kisana da share 14% siga। ये देख लो इंटरेस्टिंग है, 2016 में 14% सीगा, 2018 में जो कट के 8% रह गया है। व्हाई अमेरिकन एग्रीकल्चर इज इन क्राइसिस इज बिकॉज किसी फार्मर्स की जो इनकम है वो तो स्क्वीज करती है इस लेवल पे कि दे आर फेस्ड विद एक्सटिंक्शन। हूँ 1.5% रह गए हैं और मैं दावे ना कह सकता कि अगले 4-5 साल में वो भी चले जाएंगे खेती छड़ के। And then it will be completely corporate control. That is what the design is all about. Now, in a country like India, where we have 60 crore people dependent on agriculture, I think we need a different kind of a model. And I think India has an opportunity, a historic opportunity, to showcase to the world ki what the economic design should be, why agriculture should be the second engine of economic growth. Pehla engine ta sada industry hai hai, but agriculture should be the second engine of economic growth. Gee, absolutely. Devinder ji, you mentioned a really interesting theory is article de vich jinnu assi pehle quote kar rahe si, ode vich tusi MS Swaminathan ji di is evergreen revolution di gal karde ho. And once again, this is not a new concept. A study discussion program to pehle भी हो रही थी। द एवरग्रीन रेवोल्यूशन वॉज समथिंग जो स्वामीनाथन जी बैक इन द अर्ली 2000s ही वॉज टॉकिंग अबाउट। एंड वर्ल्ड एंटिटीज पावे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हुए, पावे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द हार्वर्ड जर्नल रिव्यू हुए, they were quoting MS Swaminathan saying ki a evergreen revolution ho sakdi hai and it will start in India if the cards are played correctly. I want to talk about this. Tusi vi edi gal karde ho, evergreen revolution hundi ki hai? Itthe ek hor chote ji break le rukde hain. Devinder ji please is sad nal jude raho, viewers tusi vi jude raho. Evergreen revolution jo ke father si ke green revolution de MS Swaminathan, unhone is evergreen revolution di gal kiti, assi vi edi gal karange break to us par। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਮ ਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਥਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਥਿਊਰੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੈਟ ਕਮਸ ਟੂ ਮਾਈਂਡ ਫਰੋਮ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਟੂਡੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਐਟ ਦ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਟੂਮੋਰੋ। ਯੂ ਨੋ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਨਾਓ 60-70 ਈਅਰਸ ਆਫਟਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਐਸ ਵੈਲ। ਹਾਓ ਇਜ਼ ਦ evergreen revolution different from that? In fact, jinna nu sanu nahi pata ki eh evergreen revolution hai ki, ede bare tusi please sanu thoda dasso. Pehli gal ta main kehna chahunda ki I have had the honor and pleasure and privilege of knowing Professor Swaminathan for last 4 decades aur main unhon bahut closely interact bhi karda rehna hun naal aur assi regularly we are in touch aur main unhon dekha ki the vision that he carries I think is amazing. मैं इस करके कहना है कि एक व्हेन आई वाज इन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एट टाइम व्हेन ही वाज अ डायरेक्टर जनरल एट इरी इन फिलीपींस, मुझे याद है एक साइंटिस्ट ने मुझे उसे कहा सिगा कि ही इज नाइदर गॉड नॉर ही इज ह्यूमन बीइंग, ही इज समवेयर इन बिटवीन। I mean, I admire the respect that the scientists carry for him, and I think jo unhone evergreen revolution da jada concept leke aaye sige wo bahut important siga, aur isi karke main apne article bhi jab zikr kita to main ye bhi zikr zarur kita hai ki bhai this term was coined by Professor MS Swaminathan so that people don't forget about it and kite credit unnecessarily mainu na de de, is karke I was very clear about it. But Professor Swaminathan da ye kehna siga ki bhai we need a kind of an agriculture jada economically वायबल तो होए होए लेकिन जरा सस्टेनेबल भी होए, ताकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो रेफर कर रहे थे वो सानू दोबारा देखने को ना मिले।
ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਟੁਡੇ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਟ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਫਾਰ ਟੁਮਾਰੋ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਔਰ ਉਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਔਰ ਯੂਐਨ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਔਨ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲਸੋ ਡਿਸਕਸ ਦ ਸੇਮ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਫਾਲੋਡ ਏ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਟ ਯੂ ਨੋ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਟ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਹੈਡ ਸਜੈਸਟਿਡ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਹੈਡ ਫਾਲੋਡ ਵਾਟ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਹੈਡ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਦ ਵਰਲਡ ਵੁੱਡ ਬੀ ਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸ ਇਫ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਕਾਇੰਡਸ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇਨ ਟੂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਸਟਰੋਇੰਗ ਦ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਸਟਰੋਇੰਗ ਦ ਸੋਇਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਸਟਰੋਇੰਗ ਦ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੋ ਆਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਏ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨਕਮ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਸ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਮਿਲੇਗੀ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਦੇ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਓਨਲੀ ਯੂ ਨੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਐਡਿੰਗ ਓਨ ਟੂ ਵਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸੈਡ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਹਿਮ ਬਾਈ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਚ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਏ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਦ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਏ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦੀ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ ਸੋ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਕਿ ਦਿਸ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਮਾਡਲ ਗੁੱਡ ਫਾਰ ਅਸ ਏ ਬੀ ਨਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਫਾਰ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨਕਮ ਔਰ ਅਸ਼ੋਰਿੰਗ ਇਨਕਮ ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਐਂਡ ਦੀ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਅਫਕੋਰਸ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਫਾਲੋ ਦੀ prescription about how to bring about an evergreen revolution I think then we would have transformed agriculture ji. for the future ji devinder ji I have to ask right to see inni kareebi de naal professor swaminathan ji naal you know kam bhi kita hoya hai still communicate karde ho professor swaminathan ji ne recently comment bhi kita prime minister modi di is announcement this weekend unna de article de vich ek bayan aaya saying that he was very pleased oh khush si ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਐਂਡ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ ਸੇਮ ਵਾਂਟਸ ਐਂਡ ਆਸਕਸ ਆਫ ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ C2+50 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਪ੍ਰਹੈਂਸਿਵ ਕਾਸਟ ਪਲੱਸ 50% ਮਾਡਲ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਰੈਕਮੈਂਡਡ ਵਿਦਾਊਟ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਡੀਟੇਲਸ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਲਾਅਜ਼ ਦੀ ਰੈਵੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਦ ਗਰੰਟੀਡ ਔਰ ਦ ਇਨਕਮ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਦ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਔਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ this evergreen revolution I want to talk about that what would be some core steps that we can take or that India should be taking to implement this evergreen revolution I think sab to pehla sanu samajhne di zarurat hai ki bhai aaj tak sanu kiya gaya hai ga punjabi chada ek badi famous saying bhi hai hai ki dab ke baat raj ke kha I think that was not the right kind of dictum for the farmers to follow kyunki dab ke ba means basically you are encouraging intensive agriculture intensive agriculture de naal eh socha janda si ki income badhegi but it everywhere in the world that hasn't worked we all know ki intensive agriculture has added on to greenhouse gas emissions hun jada un convention kehnda hai ga ki roughly 34% greenhouse gas emissions come from agriculture and that is basically the same prescription ki bhai tusi dab ke ba yani intensive agriculture so what I think swaminathan is suggesting is to move away from intensive agriculture towards a more sustainable or holistic agriculture which involves your indigenous knowledge which involves your traditional knowledge which involves the wisdom of the communities which also draws from the ample biodiversity that we have in our country then it also draws from the natural resources you can't deplete the natural resources of one place thinking ki bhai companies have to make profit or somebody has to make profit you cannot do it at the cost of the future and I think jisna punjab di khas example le liye ki punjab da wheat rice jada rotation hega it has exhausted the punjab soils aur uda eh hal hai ki agar tusi chemical fertilizer na pao ta paidawar hi nahi hundi there are studies which show ki jinna tusi 5 saal ਪਹਿਲੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦੀ ਸੇਮ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਲੈਵਲਸ ਆਲਸੋ ਸੋ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਇਸ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਗਿਵਸ ਅਸ ਅ ਮਾਡਲ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨ ਫਰਮ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੂਵ ਆਊਟ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਜੈਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਪਰੋਚਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਵਨ ਸਾਈਜ਼ ਫਿਟਸ ਆਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਟ ਇਜ਼
एडवाइजेबल फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया। आई थिंक वी विल हैव टू गो फॉर लोकेशन स्पेसिफिक जो क्योंकि अलग पैटर्न है। फॉर इंस्टेंस इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हैज फॉलोड व्हाट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग सिस्टम्स, व्हिच इज एन अमेजिंग यू नो काइंड ऑफ ए फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग सिस्टम। उधर भी देखो ना कि आज तक उन्होंने 7 लाख फार्मर जो है दे हैव कन्वर्टेड देम फ्रॉम केमिकल टू नॉन केमिकल फार्मिंग। इंडिया टारगेट इज कि 2025 तक जिनमें भी टोटल किसान है आंध्र प्रदेश में 60 लाख है, सो दे विल कन्वर्ट ऑल 60 लाख फार्मर्स टू नॉन केमिकल एग्रीकल्चर। सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग टू से केमिकल एग्रीकल्चर तो नॉन केमिकल तरफ जाओ, उसे प्रोडक्टिविटी बड़ी है। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि भाई प्रोडक्टिविटी कट हो जाती है जब केमिकल्स से निकलोगे, बट इन आंध्र प्रदेश इट इज वेरी क्लियर। एक स्टडी आई है वो मैं अपने एक आर्टिकल से कोट भी की थी, वेयर इट इज वेरी क्लियर दे हैव सेड कि अमंग द ग्लोबल 6 जेडे एक तरह के मॉडल है ग्लोबली जिन्हों अडॉप्ट करने की जरूरत हैगी है, आंध्र प्रदेश का जरा कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग सिस्टम है दैट इज अमंग दैम। एंड आई थिंक इट टेल्स यू वेरी क्लीयरली कि अगर वो जो सिस्टम में रेप्लीकेट करते हैं तो वी आर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ एन एवरग्रीन रेवोल्यूशन। सो वी नीड 3 things as I said earlier also, एक तो ठीक है वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द इंटेंसिव एग्री बिजनेस मॉडल। नाउ आई थिंक सेकेंड इज वंस वी प्रोवाइड फार्मर्स विद लिविंग इनकम, द थर्ड शुड बी हाउ टू मूव अवे from that kind of agriculture which has basically brought the world to a tripping point. So wo sanu dekhna hega, assure karna hega, and I think the challenge is before us now. जी दविंदर जी, यू नो आई हैव सो मैनी मोर क्वेश्चन फॉर यू, बट अज क्योंकि तुसी साडे नाल लाइव जुड़े हो, कॉलरस नूं भी मौका मिले तुहाडे नाल गल करन दा, कुछ कॉलर साडे नाल जुड़ चुके। सत श्री अकाल, तुसी ऑन एयर हो। हां जी, हां जी, सत श्री अकाल जी, सुमिता जी। सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो, कित्थों बोल रहे हो? हां जी, तुसी हां जी, तुसी ऑन एयर हो, कौन बोल रहे हो, कित्थों बोल रहे हो? मेरे दविंदर जी नूं एक दो क्वेश्चन है जी। एक पहला तो ये है, फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर जी। नंबर दो छोटा जा क्वेश्चन है, इन्होंने ये कहा 27 रुपये पर डे इनकम है फार्मर दी जी। मेरा इत्थे सवाल ये है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मोदी 27 रुपये लिहाज के नाल जिहड़ी के अबाउट 9900 रुपये पर साल बनती है, अगर वो डायरेक्ट पेमेंट फार्मर्स नूं दे देन, विल इट बी कंसिडर्ड डबलिंग द इनकम ऑफ इंडियन फार्मर? और तीजी चीज ये है, अगर ये दोवें चीजां देखियां जान ते अज दे दिन च एक्सपर्ट्स, इकोनमिस्ट, पॉलिटिशियंस, अपोजिशन उत्थों दे मोदी साहब नूं ये क्यों नहीं पुछ रहे भाई 2022 आ गया तुहाडी डबल इनकम नूं की होया? सौखी जी डिमांड हैगी, बट दविंदर जी तुहाडा की ख्याल है? मेरा मानना है और मैं शुरू तो यह कहता है कि MSP लीगल करने तो इलावा कोई साढ़े को होर विकल्प भी नहीं है कि असं किसान की इनकम बढ़ा सकी। लेट मी मेक इट वेरी क्लीयर, एक साढ़े इतने एक प्रोपेगेंडा हो रहा है हिंदुस्तान च कि अगर असी MSP लीगल कर देवे तो 17 लाख करोड़ रुपए का बजट सरकार से बर्डन जोड़ा है सरकार से आएगा, और विच इज इक्वल टू रफली हाफ द बजट जो सा सरकार का हर साल, और इकोनमी जी है यू नो दुआलिया निकल जाएगा। ये गल्लां कही जा रही है, मैनु नहीं पता 17 लाख की फिगर कितों आई हैगी है, और ये मैनु मैं इस करके हर बार कहा है कि ये बेसिकली फेयर साइकोसिस क्रिएट करने की गल है कि लोग कह हरे आरे हो ये तो असं कर ही नहीं सकते हैं, तो किसानों नो बड़ी वॉन्ट्स टू पे, दैट इज वन थिंग विच शुड बी वेरी क्लीयर टू अस। सो ये जी आर्गूमेंट है गलत इस करके है कि बिकॉज देर आर वंडरफुल स्टडीज विच हैव कम आउट नाउ रीसेंटली, वो कहते हैं कि अगर असी लीगल कर देवे वो तो थले खरीद वास्ते बार कर देवे, नो बड़ी कैन बाय बिलो द MSP, उसके उपर स्टडीज कहते हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपए तो लैके 2 लाख करोड़ रुपए साल का एडिशनल खर्चा होगा, which is nothing for a country like India. So I think that this is one thing which should be clear to us. Implement kis tarah karna hai, I think har ek cheez da implementation da stage aayega, but I think pehle ta assi policy the plan us level te ban jaiye principally ki bhai sanu eh karan di zarurat hai, oh the nitty gritty baad ch work out kiti ja sakdi hai. Second point hai ki bhai eh kehna ki bhai
ਡਬਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨੋ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਉਹ ਡਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 2022 ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 27 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ 27 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੋਪ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾਨ ਫਾਰਮ ਇਨਕਮ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 27 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਹੈ ਵਿਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਇਕਾਨਮੀ ਉਸ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਯੂ ਅਰਲੀਅਰ ਵੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਫਲੈਸ਼ ਦੋਸ ਫਿਗਰਸ ਆਲਸੋ ਐਫਏਓ ਨੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਮੱਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਰਥ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਫੂਡ ਦੈਟ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹਾਊ ਮੱਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾ 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 ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੈਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਥ ਫਾਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ Yep. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਰਮਰਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਥ ਫਾਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਿ ਜਿਸ ਵੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਡੀ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਹੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੈਡ ਹੰਗਰੀ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਆਸਕ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਵਰਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਐਂਡ ਆਸਕ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ अगर ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਪਰਸੋਂ ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਅ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੂ ਆਲਸੋ ਨੀਡ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਵੌਇਸ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੀ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਫਾਰ ਨਾਓ Absolutely, such wise words, and I think jithe assi ajj pahunche haan oh vi kise na kise had tak is hi cheez da result hai ga ke lokan ne awaaz chuki nidar ho ke awaaz chuki Devinder ji in closing you know jo a SKM walon 6 demands rakhiyan gaiyan once again you know there is a political angle but there is also a pragmatic economic angle to all of this are you hopeful ke a demands the adequate response ditta jaoga the economic portions of the demands or do you feel that this will be another jinda kehne na negotiations de vich stalemate jo assi saal de beginning de vich vi vekhya si ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਨੀ ਉਸੇ ਆਰ ਯੂ ਹੋਪਫੁਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿਸ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ 10-12 ਇਅਰਸ ਬੈਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ ਔਰ ਜਦੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ 6,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਯੂ ਨੋ ਵੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਸੇਇੰਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਇਜ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੀਗਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਲੇਇੰਗ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਊਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਲੂਜ਼ ਹੋਪ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਪ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਡਰਾਈਵਸ ਆਲ ਟੂਵਰਡਸ ਏ ਵਰਲਡ ਵੇਅਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਇਕੁਅਲ ਟਰਮਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਕੁਇਟੀ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਲਾਓ ਫਾਰਮਰਸ ਟੂ ਡਾਈ farmers cannot be sacrificed for the sake of our growth I think that is a message which I think each one of us need to understand ki jo andata tuhanu roti leke aa reha hega tode teen waqt di roti tode aasani naal mil rahi hegi hai let us also try to understand ki oh kis crisis vich hega aur ude vaste ki cheez assi kar sakde hai ki we at least we stand with them we raise their voice we become their voice because unhan di awaaz nahi suni jandi hai par tuhadi awaaz suni jandi hai I think that is your responsibility that is my responsibility and you will see the world will change so let's take the first step the world will begin to change absolutely we will see that the world will change it seems like holly holly baby steps is zarur hai but the world is changing and we are definitely hopeful thank you so much Devinder Sharma ji economics and agricultural expert to see hamesha jadon vi sade show te aunde we all feel a little bit smarter so thank you for that Sharma ji zarur sade nal aake fir judo we will keep an eye on your upcoming articles kis tarah situation develop hundi hai and economic taur te ki india realize karda
ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ, ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫਾਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਅਗੇਨ ਸਰ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਡੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। जी ये नाल ही प्रोग्राम की समाप्ति करदे हां। ये जो मुद्दा हैगा असी लगातार तुहाडे नाल कवर कर भी रहे सी ते करांगे भी आने वाले समय दे विच, बट सानू इत्थे इस गल की बहुत खुशी भी महसूस हो रही है कि भावे साल लग गया, लेकिन साल ही लग गया। जदों मैं आप दिल्ली सीगी उत्थे मैनू याद है कुछ अर्ली दिनों दे विच मेरे एक बुजुर्ग नाल गल हो रही सी, उन्हां दे पैर ते बहुत वड्डी चोट लगी हुई सी, सट लगी हुई सी। एंड मैं क्या बापू जी तुसी वापस नहीं पिंड नहीं जाओगे इनू ठीक कराने? कहिंदे नहीं मैं इत्थे देख लांगा इलाज जो भी कराना है, बट मैं नहीं जा रहा। मैं क्या बापू जी कदों तक तुसी इत्थे रहोगे? जनवरी दी गल होनी है। कहिंदे बेटा मैं इत्थे तद तक रवांगा भावें मैनू 24 तक इत्थे रहना पए, मैं इत्थे तद तक रवांगा जदों तक ये चीज़ वापस नहीं हुंदी, जदों तक सानू जो साडी मंगा हैगी आ उहदी कोई सुनवाई नहीं हुंदी, उहदे उत्ते कोई एक्शन नहीं लिता जांदा। उस टाइम जदों उन्होंने कहा सी 2024 तक मैं बैठने लई तैयार हाँ, ही वॉज़ नॉट द ओनली वन, वो सिर्फ अकेले नहीं सीगे जिन्होंने ये गल मेरे अगे इस तरह खुल के कही सी। एंड मैनू लग्या सी कि 2024 तक किन्ना टाइम पिया, की होएगा साडे बजुर्गों का जो सब कुछ छड के इत्थे बैठे हुए है 2024 तक। सो इस गल ते असी खुशी मना रहे हाँ कि सिर्फ एक साल लग्या, बट इस एक साल दे विच जो शहीद हुए उन्होंने असी याद करते हाँ, तो उन्हां दी याद दे विच संयुक्त किसान मोर्चा ने भी आप दी डिमांड रखी है कि एक मेमोरियल बनना चाहिए उन शहीदां दी याद दे विच। एंड इस चीज़ से ते होर जो इन्हां दी डिमांड्स हैगियां, 6 टोटल डिमांड्स रखी हैं, किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी ते उन्हां दी सरकार जवाब दिंदी है, किस तरह अगे ये एक डायलॉग फिर शुरू कर दी है, इहदे उत्ते नज़र रखांगे। अज दे प्रोग्राम नूं लैके साडे लई या साडे गैस लई कोई क्वेश्चन कॉमेंट्स कंसर्नस तुसीं जरूर सानूं लिख सकते हो info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। हुण मैनूं दिओ इजाज़त, सत श्री अकाल।